जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। गृहस्थी और साधु दोनों के लिए यहां कहा जा रहा। कभी आपने विचार किया तपस्या किसको कहते हैं? क्या है विचार? सिर्फ सुना है कि घर छोड़ दिए तो तपस्या हो गई, जंगल में चले गए तो तपस्या हो गई, मौन हो गए तो मौनी बाबा हो गए, फल खाने लगे तो फलाहारी बाबा हो गए, दूध पीने लगे तो दूधाधारी बाबा हो गए, हवा पीने लगे तो पौहारी बाबा हो गए, खड़े रहे तो खड़े श्री बाबा हो गए, जंगल में चले गए तो बनखंडी बाबा हो गए। बहुत तरह की है ये तपस्या है। वास्तव में ये तपस्या है, लेकिन केवल बाहरी चीजें जो दिखाई दे रही है इसमें यही तपस्या नहीं है। घर छोड़ना आसान नहीं। साधु तपस्या करता है, इच्छाओं आकांक्षाओं लालसाओं सबका त्याग करके कठिन तप जंगल में करता है और तब जाकर शक्ति और सिद्धि अर्जित करता है। लेकिन हमारे कहने के भाव को ठीक से समझना, क्योंकि यहां केवल कहानी कथा नहीं सुनाई जा रही, आपको जीवन जीने का आदर्श और दर्शन दिया जा रहा है। अगर केवल खड़े रहना ही तपस्या हो जाता तो जिनके पैर खराब हो जाते हैं, मुड़ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उनसे बड़ा सिद्ध संत कौन होता है? अगर केवल एक पैर पे खड़े रहना ही तपस्या हो जाता तो जिनको एक पैर में पोलियो मार दिया, दिव्यांग हो गए, उनसे बड़ा सिद्ध कौन होता? और अगर केवल नहीं बोलना ही तपस्या होता तो जो गूंगे हैं बेचारे वो तो परम सिद्ध हो चुके होते। घर छोड़कर जंगल में रहने लगना तपस्या हो जाता तो जो पहले से आदिवासी वनवासी है वो तो ऋषि मुनि हो जाते। अगर घर छोड़ के कम साधन में जीना ही तपस्या हो जाता तो स्लम में रहने वाले सड़कों पे सोने वाले परम संत हो गए होते हैं। केवल खाना नहीं खाना तपस्या होता तो भूखे नंगे घूमने वाले लोग परम सिद्ध मान लिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या ये तपस्या नहीं है? ये भी तपस्या है, लेकिन वास्तविक तपस्या इसके पीछे है। तपस्या का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में मन स्थिति को संतुलित रखना। परिस्थितियां गड़बड़ हो, हमारे अनुकूल न हो, फिर भी हम समभाव में जिए, इसी को तप कहा जाता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, समत्वम योग उच्चते। समभाव में जीना ही योग है। कैसे संभाव में? दुखेषु अनुदिग्न मनः सुखेषु विगत विस्प्रिया वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यते। सुख और दुख में संभाव से जो जिए, लाभ और हानि में जो संभाव से जिए, बहुत आए तो इतराए नहीं और बहुत जाए तो दुखी रहो। तो घर में परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती है। ठंडी के मौसम में हीटर लगा है, गर्मी के मौसम में कूलर और एसी लगा है, सारा इंतजाम है। इसलिए तपस्वी घर छोड़ देता है कि कोई दबाव ना डाले। गर्मी के दिन में भी मैं पंचअग्नि जला के बैठूंगा तो क्या कष्ट नहीं होगा? कष्ट तो होगा, लेकिन उसी कष्ट को सहकर मन को आनंदित कर देना, यही तो तप है। वो जो अवस्था है कि तनाव आए परेशानियां आए और उसमें मन को आनंदित कर दे, वो घटना ही तप है। तो घर में अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए जंगल जाना पड़ता है। ठंडी के मौसम में घर वाले हीटर लगा देंगे, रजाई दे देंगे, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। इसलिए ठंड में बर्फ में जाके बैठता है तपस्वी। घटना क्या है? घटना सिर्फ ये है कि परिस्थिति विपरीत हो और मन को संतुलित कर लें, आप परम सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या घर में परिस्थितियां विपरीत नहीं होती? होती है। कभी बच्चा बीमार है, कभी बिजनेस में घाटा लग गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी पड़ोसी मर गया, तो कभी अपने ही मर गए, रोज उतार चढ़ाव। कभी फैक्ट्री में घाटा लग गया, कभी अनाज ठीक से उगा नहीं,
कभी मंडी में मंदी आ गई, ये तो रहता है ना। तो गृहस्थ में रह के भी अगर इन विपरीत परिस्थितियों में मन को संतुलित किया जा सके तो गृहस्थ बड़ा कोई तपोवन नहीं है।